सुनते हैं, जैसे कि प्रेम का रंग, तड़प का रंग, खुशी, आनंद, सारे कुछ। और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो भी हैंडल करता है। इसीलिए राग थेरेपीज आजकल बहुत पॉपुलर है, जिनसे कि बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है और बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिकल मेंटल वो दूर होती है। तो अब मैं हंसो भरी में एक हमारा बहुत पॉपुलर भजन है ऑटो फीलिंग में भोला शंकर। Thank you.
dishes. And we are exposed to so many different kind of vibrations. But when we play Indian classical music, which is so pure, that it creates such vibrations which produce harmony all over, in the environment, in the mind, and the soul. तो अभी मैं राग पीलू बजाऊंगी. राग पीलू एक निश प्रकृति का राग है, इसमें कई सारे रागों की छाया है. ये काफी थाट का राग है पर इसमें छाया बहुत सारे रागों की आती है. और ये थोड़ा चंचल राग है तो इसमें अक्सर ठुमरी और कजरी चैती सेमी क्लासिकल गाया बजाया जाता है. तो इस समय मैं राग पीलू पे एक ठुमरी बजाऊंगी. Thank you.
इंस्पिरेशन गुरुदेव, जिन्होंने इतने सालों के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने इंस्ट्रूमेंट दोबारा उठाया और आज बजा रही हूँ। और मेरे जो समय गुरु हैं जिनसे मैं सीख रही हूँ, श्री अजय पी झा, उनके लिए भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज वो इतने पेशेंस के साथ मुझे सिखा रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू एवरीबॉडी एंड जय गुरुदेव।